रिलायंस की सबसे बड़ी खासियत पता है आपको क्या है? जैसे जैसे मार्केट की नीड चेंज होती जाती है, वैसे वैसे वो अपने बिजनेस को चेंज करता जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम रिलायंस रिटेल के बारे में बात करने वाले हैं, पूरे रिलायंस इंडस्ट्री की नहीं बात करने वाले, सिर्फ रिलायंस रिटेल के बारे में बात करने वाले हैं। कुछ ही सालों में रिलायंस सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग रिटेल चैन कैसे बन गया, तो दोस्तों इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि रिटेल बिजनेस में ये किंग कैसे बनता जा रहा है। दोस्तों, मेरा नाम है राहुल सिंह राजपूत और इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, कोई भी बिजनेस में एंटर होने से पहले बहुत सारे लोग एनालिसिस करते हैं कि इसमें अपॉर्चुनिटी क्या है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि रिटेल सेक्टर में सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं। सबसे पहला होता है हाई मार्जिन। आप सभी को पता है, अगर आप रिटेल सेक्टर में होते हैं तो सबसे ज़्यादा मार्जिन रिटेल शॉप वाला ही कमाता है, इसीलिए इस सेक्टर में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन होता है। सेकेंड थिंग्स, नो क्रेडिट। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपको क्रेडिट के बारे में ज़रूर पता होगा। बहुत सारे लोगों को क्रेडिट पर अपने माल को सेल करना पड़ता है, अपने प्रोडक्ट्स को सेल करना पड़ता है, लेकिन वही अगर आप रिटेल बिजनेस में हो तो अपने कंज्यूमर को ज़्यादा आपको क्रेडिट देने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप गए हो डीमार्ट, रिलायंस मार्केट, तो ये सब जगहों पर कोई आपको उधार में प्रोडक्ट नहीं देता है, इसीलिए रिटेल सेक्टर इसलिए बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव चीज़ है, अट्रैक्टिव बिजनेस है। तो कि जैसा मैंने आपको कहा कि रिलायंस की सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो जैसे जैसे मार्केट की नीड चेंज होती जाती है, लोगों की नीड चेंज होती जाती है, वैसे वैसे वो अपने बिजनेस को चेंज करता रहता है। जैसे कि सबसे पहले उसने टेक्सटाइल बिजनेस में एंटर किया, उसके बाद ऑयल, गैस, रिफाइनरीज, ये सब बिजनेस में एंटर किया, धीरे धीरे करके वो रिटेल सेगमेंट में और टेलीकॉम इंडस्ट्री में एंटर कर गया, और अब वो डिजिटल मार्केट में बहुत ही बड़ा अपना कॉम्पिटिटर और बहुत ही बड़ा जायंट बन चुका है। रिलायंस रिटेल की शुरुआत 2006 में हुई थी, उसके बाद से ये लोग ने तो कभी पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। दोस्तों, अभी जानते हैं कि रिलायंस की मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या है, वो कैसे अपने कॉम्पिटिटर से अपने प्रोडक्ट्स को, अपने ब्रांड को अलग करता है। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि उसके प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं, उसके अलग अलग ब्रांड्स कौन कौन से हैं। अगर आपको पता होगा तो आप गए होंगे रिलायंस फ्रेश, जियो मार्ट, रिलायंस मार्केट, रिलायंस होम किचन, ये सब इसके प्रोडक्ट्स हैं। ये लोग और भी फार्मास्यूटिकल्स चीज़ों में, फार्मास्यूटिकल्स बिजनेस में एंटर हो रहे हैं, क्योंकि आपको पता ही है कोविड-19 के बाद में फार्मास्यूटिकल जो इंडस्ट्री है वो काफ़ी ज़्यादा बूम हुई है, और ये मार्केट में बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल है और प्रॉफिट है। इसीलिए अगर प्रोडक्ट्स की बात की जाए तो ये अपने प्रोडक्ट्स को बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही अलग अलग सेक्टर में डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। दोस्तों, अगर हम प्राइसिंग की बात करें तो जियो और रिलायंस की तुलना तो किसी से की ही नहीं जा सकती। हम सभी को पता है इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन मिडिल क्लास फैमिलीज़ की है। नियरली 65% पीपल हु लिव इन इंडिया, दोज आर मिडिल क्लास फैमिली, एंड वी नो दैट दे आर प्राइस सेंसिटिव। उनको थोड़ी प्राइस 19 या 20 हो जाए तो अपने प्रोडक्ट्स को स्विच कर सकते हैं। इसी का फ़ायदा हर बार रिलायंस और जियो उठाता है। आप सभी को पता होगा, जियो जब टेलीकॉम इंडस्ट्री में एंटर हुआ तो उसने पूरे 6 महीने अपने सिम कार्ड को फ्री में दिया, और उसके बाद से तो जियो टेलीकॉम इंडस्ट्री को चेंज ही करके रख दिया। उसके कॉम्पिटिटर्स कहने के लिए हैं, लेकिन उसके कॉम्पिटिटर कोई है ही नहीं। 6 महीने के फ्री करने के बाद में वो इतना बड़ा जायंट इस सेक्टर में उभर कर आया कि अभी उससे कंपटीशन लेने की किसी की औकात नहीं है। अभी आप सभी को पता है जियो जो है, जियो मार्ट, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये सब बिजनेस को टक्कर देने के लिए इस सेगमेंट में भी उतर चुका है, और इसकी सबसे एफिशिएंट स्ट्रेटजी ये है कि इसकी जो डिलीवरी है वो काफ़ी सेम डे में भी हो जाती है, कभी कभी 2-3 घंटों में भी ये अपने प्रोडक्ट्स को डिलीवर कर देता है। और एज़ कम्पेयर टू अगर हम अमेजोन, फ्लिपकार्ट की बात करें तो ये जो डिलीवरी चार्ज है वो भी लेते हैं, लेकिन जियो यहाँ पर डिलीवरी चार्ज भी नहीं लेता है। तो यहाँ पर इनकी दो अलग फीचर्स है, सबसे पहला वो कि सेम डे डिलीवरी, एंड सेकेंड थिंग डिलीवरी चार्ज फ्री। अगर आप एक भी प्रोडक्ट वहाँ पर परचेस करते हैं, आप अपने को ऑर्डर करते हैं, मान लीजिए आपको एक टूथपेस्ट लेना है तो आपने ऑर्डर किया तो आपका इस पर कोई भी डिलीवरी चार्ज नहीं लगेगा। लेकिन वहीं अगर हम कंपेयर करें फ्लिपकार्ट, अमेजोन, अदर प्लेटफॉर्म्स की, अगर आप 500 से नीचे ऑर्डर करते हैं तो आपको डिलीवरी चार्ज देना पड़ेगा, मिनिमम 40 रुपीज़ हर प्लेटफॉर्म पर होता है, उससे ज़्यादा भी होता है। यही इसकी बहुत ही एफिशिएंट प्राइसिंग स्ट्रेटजी है, वो लोगों को मैनिपुलेट तो नहीं लेकिन काफ़ी अच्छी तरीके से मैनेज करता है। तो अगर हम प्लेस की बात करें कि रिलायंस रिटेल है वो अपने प्रोडक्ट्स को कहाँ कहाँ अवेलेबल कराता है, तो ऐसा इंडिया में कोई भी जगह नहीं होगी, ऐसी कोई भी सिटी नहीं होगी जहाँ पर रिलायंस का एग्जिस्टेंस नहीं हो। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि अक्रॉस द इंडिया इट हैज़ मोर देन 1500 स्टोर्स, 1500 से ज़्यादा स्टोर्स अभी तक रिलायंस रिटेल के इंडिया में स्थित है, और इंडिया के बाहर भी वो अपना एग्जिस्टेंस धीरे धीरे बढ़ा रहा है। तो अगर दोस्तों अब हम बात करते हैं उसकी प्रमोशन स्ट्रेटजी के बारे में, वो
कैसे अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करता है, एडवर्टाइज करता है। हम सभी को पता है कि एशिया के सबसे बड़े जो एशिया के सबसे बड़े रिचेस्ट पर्सन की कंपनी रिलायंस रिटेल, उनके पास पैसों की बिल्कुल भी कमी नहीं है, इसीलिए वो 360 डिग्री मार्केटिंग का यूज़ करते हैं। ऐसी कोई भी जगह नहीं छोड़ते जहाँ पर वो अपने प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज नहीं कर सकें। और भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं जहाँ पर और कॉम्पिटिटर वहाँ पर ऐड नहीं देते, जहाँ पर ये अपने प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज कराते हैं। जैसा कि अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ कि जियो के जो ऑनर है मुकेश अंबानी, उनकी खुद की टीम है मुंबई इंडियंस, वहाँ पर सबसे ज़्यादा वो एडवर्टीजमेंट देते हैं। आप सोच ही सकते हैं, इंडिया में बहुत ही ज़्यादा लोग क्रिकेट देखते हैं, 10 करोड़ लोग से भी ज़्यादा इंडिया में क्रिकेट देखते हैं, और आईपीएल देखने वालों की संख्या भी और ज़्यादा है। उसी में अगर आपके पास 8 टीम है और उसमें से एक टीम जो है वो एक ऐसे ब्रांड की है जो कि काफ़ी ज़्यादा मार्केट लीडर है, जो कि बहुत ही बड़ी मार्केट लीडर है, तो उस ब्रांड को बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल रहेगा। इवन दो वो आईपीएल से न कमाते हों, लेकिन अपनी एफिशिएंट मार्केटिंग स्ट्रेटजी का यूज़ करके वो अपने प्रोडक्ट्स को वहाँ पर बहुत ही अच्छा एक प्लेस देते हैं और एडवर्टाइज़ करवा देते हैं, जिससे उनको आईपीएल छोड़िए लेकिन अदर प्रोडक्ट्स में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है। उसके अलावा वो टीवी एड्स, स्पॉन्सर्स, एडवर्टीजमेंट, यूट्यूब, फेसबुक, अदर जितने 360 मार्केटिंग है, जितने 360 प्रमोशन टूल्स है, सारी जगह पर वो अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं। इसी सब प्रमोशन के द्वारा वो अपने कस्टमर को अपने स्टोर्स तक खींच कर लेके आते हैं और अपने प्रोडक्ट्स और अपने प्रोडक्ट से अपने कस्टमर्स को मैस्मोराइज कर लेते हैं। अब बात करते हैं कि इसका फ्यूचर और ग्रोथ क्या है, क्या फ्यूचर में ये बिज़नेस बहुत ही ज़्यादा एक्सपांड करेगा, बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट देगा या नहीं देगा। हम सभी जानते हैं कि अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, ये सारे रिटेल इंडस्ट्री के किंग हैं। अगर हम बात करें कि वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट पर्सन के बारे में, जेफ बेजोस, जिनकी कंपनी अमेज़ॉन है, ये भी एक रिटेल सेंटर में ही सबसे बड़ा किंग है। तो इसी को इंस्पायर लेके मे बी अपॉर्चुनिटी देख कर रिलायंस रिटेल भी इस सेगमेंट में एंटर कर रहा है और इनको कम्पीट करने के लिए ये यहाँ पर उतरा है। इसकी फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है। एज नो दैट सबसे ज़्यादा मार्जिन इस सेक्टर में है, हमको क्रेडिट नहीं देना पड़ता है, तो इन्वेंट्री की कोई दिक्कत नहीं होती है, तो ये सबसे ब्राइट बिजनेस है। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ अभी तक 44% इस सेक्टर में रिलायंस रिटेल के दिखा है। और हम सभी जानते हैं कि जो टेलीकॉम इंडस्ट्री में जियो है वो इंडिया का सबसे बड़ा जायंट बन चुका है। मोर देन 40 करोड़ लोग इस टेलीकॉम इंडस्ट्री में जियो का सिम कार्ड का यूज़ करते हैं। क्या आप भी यूज़ करते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। डेटा यूज़ करने की बात करें तो एवरी मंथ 226 रुपये हर कस्टमर जियो प्लेटफॉर्म पर देता है। मतलब आप काउंट कर सकते हैं कि 126 × 40 करोड़ रुपीस, इतना रिवेन्यू हर महीने तो इसके जेब में आना ही है। यू कैन इमेजिन हाउ मच ही अर्न। इसके अलग अलग प्लेटफॉर्म्स की बात करेंगे तो इसके अदर प्लेटफॉर्म्स भी हैं जहां पर वो अलग अलग सेगमेंट में बिजनेस कर रहे हैं, जैसे कि जियो टीवी, जियो सिनेमा, जियो मार्ट, उनको हाल ही में उन्होंने एक्वायर किया, कलर्स टीवी भी रिलायंस रिटेल के द्वारा ही ओन है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसे लगी, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए और हमें बताइए कि हमें और कौन कौन सी वीडियोस बनानी चाहिए। दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।